हेलो दोस्तों, क्या आप अपने VI कंपनी सिम के इंटरनेट कनेक्शन से परेशान हैं? तो दोस्तों, आपने सही वीडियो को ओपन किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक नए APN सेटिंग के बारे में बताएंगे, जिसे आप सेटिंग करते ही आपका इंटरनेट आसानी से बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, APN सेटिंग को सेटअप करते ही आपका स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से APN सेटिंग करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप APN सेटिंग को समझ नहीं पाएगा और आपका इंटरनेट स्पीड और भी बेकार हो जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप अपने APN सेटिंग को अच्छा से सेव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऑल करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग खोलेंगे, और सेटिंग खोलने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। इस पर हम टच करेंगे, और उसके बाद से अपने जो आपका VI कंपनी होगा उस कंपनी पर टच करेंगे। उसके बाद से देखिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है एक्सेस पॉइंट नेम। इस पर हम टच करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर APN का आ गया है। सबसे पहले हम इसे रिसेट कर देंगे। देखिए हमारा रिसेट हो रहा है। जैसे यहाँ पर रिसेट हो जाएगा, उसके बाद से देखिए यहाँ पर लिखा है न्यू APN, यानी प्लस का चिन्ह दिया है। चाहे आपका 8 का ऑप्शन दिया होगा, चाहे कुछ भी दिया होगा, तो उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद से नया 8 करना है, इसलिए हम इसे न्यू APN पर टच करेंगे। और जैसे ही हमारा यह न्यू APN पॉइंट यानी कि एक्सेस पॉइंट हमारा ये होगा, इसे देखिए हम ध्यान से देखिएगा इसे हम कैसे सेट करते हैं, जिससे हमारा इंटरनेट स्पीड आसानी से बढ़ सकता है। तो चलिए सेटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है नेम, इस पर हम टच करेंगे और इसमें लिख देंगे VI इंटरनेट 4G। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं VI इंटरनेट 4G। और इसे ओके कर देंगे। जैसे हम VI इंटरनेट 4G लिख देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा है APN, इस पर हम टच करेंगे और इसमें लिख देंगे हम सिर्फ VI, क्योंकि हमारा VI कंपनी का सिम है, इस पर सब बड़ा हम लिखेंगे। चलिए हम इसे VI लिख के ओके कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है प्रॉक्सी, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर लिखा है पोर्ट, इसे भी ऐसे ही रहने देंगे, इसे नहीं छेड़छाड़ करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है यूजर नेम, इस पर हम टच करेंगे और इस पर लिखेंगे sp.boot2021। चलिए हम लिख ले रहे हैं, इसको सब स्मॉल भी लिखना है और सबको एक साथ लिखना है। चलिए हम लिखते हैं sp.boot2021। जैसे हम इसको लिख देंगे, उसके बाद से ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है पासपोर्ट, इसको भी हमको नहीं छेड़छाड़ करना, इसे भी सेव छोड़ देंगे। और यहाँ पर लिखा है सर्वर, देखिए सर्वर पर हम टच करेंगे और इसमें लिख देंगे हम www.google.com। चलिए अब लिख दे रहे हैं www.google.com, और google.com लिख के इसे ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है MMSC, इसको हमें छोड़ देना है। MMS प्रॉक्सी, इसे भी हम छोड़ देना है। MMS पोर्ट लिखा है, इसे भी छोड़ देना है। MMCC, ये तो हमको सापा नहीं छेड़ना है, ये हमारा एरिया का कोड होता है, ये ऑटोमेटिक लेता है। और MNC, इसे भी नहीं छेड़ना है, ये सेम टू सेम हमारा एरिया का कोड रहता है, ये अब ऑटोमेटिक लेता है। इसे अगर आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो आपका इंटरनेट सफा बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है ऑथेंटिकेशन टाइप, इस पर हमको टच करना है। और इस पर हमें देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन दिया है PAP, या इसको हम टच करने, इसको हम करके सेव कर देना है। और देखिए यहाँ पर लिखा है APN टाइप, इसको भी हमें नहीं छेड़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है APN प्रोटोकॉल, इसको हम टच करना है। और देखिए यहाँ पर आपको थर्ड नंबर ऑप्शन होगा, इस पर ही हमको रहने देना है। और उसके बाद देखिए हमारा एक्सेस पॉइंट पूर्ण रूप से यहाँ तैयार हो चुका है, इसे हम सेव कर देंगे। देखिए यहाँ पर 3 डॉट पर टच करेंगे, उसके बाद इसे सेव कर देंगे। देखिए हमारा यह न्यू APN तैयार हो। देखिए हमने जो बनाया था वह है VI इंटरनेट 4G, हमने जो नाम में लिखा था, इस पर हम टच करेंगे और हमारा ये हमारा सेव हो जाएगा। इसको टच करने के बाद से हमें इसे एक बार बैक कर लेना है, और बैक करने के बाद से अपने मोबाइल को एक बार रिबूट करके ओपन करना है। और उसके बाद से आप अपने इंटरनेट को ओपन कीजिएगा तो आपका इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा से काम करने लगेगा। इस प्रकार से आप अपने APN के सेटिंग को चेंज करके अपने इंटरनेट स्पीड को आसानी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।